आज यहाँ बर्लिन में स्टॉप टीबी प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बोर्ड मीटिंग हुई। ये 29th बोर्ड मीटिंग थी और इस बोर्ड मीटिंग में भारत ने भी भाग लिया। जहाँ तक कि दुनिया में ये कहा गया है कि 2030 तक हम टीबी से निजात पाएंगे, वहीं भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हम 2025 में ही निजात पा जाएंगे ट्यूबरक्लोसिस से। और इसके लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। नेशनल स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान के साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज़मीनी स्तर पर इसको किस तरीके से लागू कर सकें, इसकी माइन्यूट डिटेल्स को वर्कआउट करें। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने डेली रेजिमन को भी 5 स्टेटों में लागू कर दिया है और इस साल के अंत तक हम सभी स्टेट्स में लागू कर देंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सीबीनेट मशीन 628 सीबीनेट मशीन्स लगा दी गई हैं। प्रैक्टिकली सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक सीबीनेट मशीन है और हमारी कोशिश है कि हम और सीबीनेट 500 सीबीनेट मशीन लगाएं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ हम उनको एड्रेस कर सकें। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए विशेष योजना बना करके हम उनका अर्ली डिटेक्शन भी कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव डिटेक्शन कर रहे हैं और उनको हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बातें आज बोर्ड मीटिंग में भारत का पक्ष हमने रखा और हमने कहा है कि भारत कमिटेड है और एक एम्बिशियस प्लान के साथ आगे चल रहा है, जिसको सभी देशों ने सराहा भी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में दूसरे देश भी हमारे साथ मिल करके NTB प्रोग्राम को सफल बनाएंगे।